7,11,000 एक, 7,11,000 दो, किसी को बोल दो, बताओ भाई। जनपद हापुड़ के थाना बाबागढ़ में मंगलवार को हुई 90 वाहनों की नीलामी 7,11,000 रुपए में छोड़ी गई। थाना बाबागढ़ परिसर में लंबे अरसे से पड़े 90 वाहनों का निपटारा मंगलवार को नीलामी के माध्यम से करा दिया गया। नीलामी में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए बाबागढ़ पुलिस ने व्यापक प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नीलामी लेने वाले बाबागढ़ थाना पहुँचे। थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने नीलामी के नियम बताए और कहा कि नीलाम होने वाले वाहनों की कीमत 5,33,000 रुपये 500 रुपये आंकी गई है और सर्वाधिक ऊंची बोली बोलने वाले के नाम बोली छोड़ी जाएगी। 7,11,000 दो, किसी को बोल दो, बताओ भाई। 7,11,003। सीओ जितेंद्र शर्मा ने बताया कि वाहनों की नीलामी में 32 लोग शामिल हुए। नीलामी होने वाले वाहनों में 10 वाहन चार पहिया, 79 वाहन दो पहिया और एक थ्री व्हीलर शामिल है। सर्वाधिक ऊंची बोली 7,11,000 रुपए बोलने वाले के पक्ष में नीलामी को छोड़ा गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा, थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार श्वेता छाबड़िया उपस्थित रहे। आज थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ में एक थाना बाबूगढ़ पर नीलामी करवाई गई, जिसमें 32 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कुल 90 वाहनों के लिए नीलामी कराई गई थी, जिसमें से 10 चार पहिया वाहन थे और 79 जो है दो पहिया वाहन थे और एक तीन पहिया वाहन था, जिसकी आरटीओ के द्वारा कुल कीमत तकरीबन 5,53,000 रुपये दर्शाई गई थी, जिसके परिपेक्ष में 32 लोगों ने पार्टिसिपेट किया नीलामी में और हमें जो भी अनुमानित कीमत दर्शाई गई थी उससे ज़्यादा अनुमानित कीमत पर हमें नीलामी में प्राप्त हुआ है। नीलामी 7,00,000 रुपये से ऊपर में हुई है और काफ़ी अच्छी रकम हम लोगों को नीलामी में प्राप्त हुई।